ओके, दिस इज पार्ट थ्री वीडियो फ्रॉम एक्सरसाइज 15.4 एंड क्वेश्चन नंबर 14. ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर 14, सनी हैज़ थ्री बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीट. बॉक्स वन इज 2.5 kg मोर देन द बॉक्स टू. सो लेट वेट ऑफ बॉक्स टू बी एक्स. तो बॉक्स वन का वेट क्या कहा गया? बॉक्स वन वेट इक्वल्स टू हाफ, 2.5 kg मोर देन बॉक्स वन, यानी एक्स प्लस 2.5. ओके, एंड बॉक्स थ्री वेट 10 1/4 kg मोर देन दी बॉक्स टू. बॉक्स टू का जितना वजन है उससे उसका वजन कितना ज़्यादा है? 10 1+4. ओके, बॉक्स थ्री वेट 10 1/4 kg मोर देन दी बॉक्स टू. सो फाइंड दी बॉक्स वन. ओके, फाइंड दी वेट ऑफ बॉक्स वन. क्लियर? बॉक्स वन 8 मोर देन द 2.5 kg बॉक्स. बॉक्स वन, हियर इज अ बॉक्स थ्री. ओके, सो टोटल वेट इज गिवन 54 3/4. सो टोटल वेट कैसे निकालेंगे हम लोग? बॉक्स टू का वेट, बॉक्स वन का वेट, बॉक्स थ्री का वेट, तीनों को प्लस कर देंगे तो इसे कंपैरिजन में आ जाएगा 54 3/4 kg. ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं. x + x + 5/2 + x 41/4, और ये हो जाएगा आपका 54 × 4 = 16 1 22 6 219/4. ओके, इसको चेक करते हैं. x x 3x 219/4 -41/4 -5/2. सो 3x = 4 219 - 41 - 10. सो 219 - 41 = 8 317 178 - 10 इट्स 168. 3x = 168/4. x = 168/4 × 3. 3 5 = 15, 3 6 = 18, and 4 1 = 14, यानी x = 14 kg. हम लोग क्वेश्चन में क्या निकालने बोला गया? फाइंड द वेट ऑफ बॉक्स वन. तो बॉक्स वन का वेट कितना है? x + 2.5, यानी 14 + 2.5, दैट मीन्स 16.5 kg. क्लियर? बॉक्स वन का वेट निकालने के लिए कहा गया था, नोट कर लीजिए. ओके, इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 16. इफ 5/4 टाइम्स अ नंबर इज 10 मोर देन द नंबर, फाइंड द नंबर. क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इफ 5/4 टाइम्स अ नंबर इज 10, और किसी नंबर का 5/4 निकालते हो. ओके, 5/4 टाइम्स अ नंबर इज 10 मोर देन द नंबर, उस नंबर से वो 10 ज्यादा हो जाती है, तो नंबर क्या है? तो लेट द नंबर बी एक्स. इसका 5/4 टाइम्स निकाल लेते हैं, यानी 5x/4. यानी ये नंबर और इस नंबर में कितने का फ़र्क वो कह रहे हैं? 10 का फ़र्क कह रहे हैं कि इसका 5x/4 निकाल ले रहे हो, तो रियल नंबर से कितना ज़्यादा हो जा रहा है? 10 ज़्यादा हो जा रहा है. यानी 5x/4 - x = 10, यानी 5x - 4x = 10, यानी x = 40, यानी 40 हो रहा है. क्योंकि 40 का अगर 5/4 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? वो 50 हो जाएगा. यानी ओरिजिनल नंबर से कितना ज़्यादा हो जा रहा है? 10 हो जा रहा है. क्लियर ना? नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 18, इफ एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज 5/3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग बेस. यानी किसी भी ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड कितना कह रहा है? उसका ऑल्टीट्यूड कह रहा है उस कॉरस्पॉन्डिंग जितना बेस उसके 5/3 टाइम्स है. तो लेट
बेस बी एक्स, तो उसका ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड हो जाएगा उसका 5/3 इंटू एक्स, यानी 5x/3। क्लियर। अब फिर बोल रहा है इफ़ ऑल्टीट्यूड इट इंक्रीज बाई 4, ऑल्टीट्यूड को आप 4 से इंक्रीज कर रहे हो, एंड द बेस इज डिक्रीज बाई 2, और बेस को 2 से अगर आप डिक्रीज कर रहे हो, सो दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल रिमेन द सेम। लेकिन उस दौरान भी जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का आंसर आता, इस दौरान भी एरिया का ट्राइंगल आंसर वही आएगा। तो बताइए रियल में ऑल्टीट्यूड और बेस क्या था। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग ऐसे समझते हैं, ये एक बेस हो गया, और दूसरा बेस में क्या कह रहा है कि दूसरा बेस को 2 से डिक्रीज कर दीजिए और ऑल्टीट्यूड को क्या कीजिए, 4 से इंक्रीज कर दीजिए। यानी 5x/3 प्लस 4 से इंक्रीज करने के लिए कह रहा है, और बेस को 2 से डिक्रीज करने के लिए कह रहा है। तो कह रहा है दोनों ही केस में जब एरिया का आंसर निकालिएगा तो आंसर क्या होंगे, सेम होंगे। यानी इसके एरिया ऑफ ट्राइंगल और इसके एरिया ऑफ ट्राइंगल सेम होंगे। तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसके भी एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इन दोनों को हम इक्वल में लिख सकते हैं। तो हाँ, फॉर्मूला लिख रहे हैं हाफ, इसका बेस में है x है और इसका हाइट में 5x/3 है, इसके भी इक्वल में हाफ है, बेस में x माइनस 2 है और ऑल्टीट्यूड में 5x/3 प्लस 4 है। तो हम पहले तो हाफ हाफ दोनों को काट देते हैं, तो यहाँ क्या बच जा रहा है 5x² / 3, और इधर सॉल्व करके चेक करते हैं, ये हो गया x माइनस 2, इधर एलसीएम लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 5x + 12। क्लियर, 5x + 12, तो ये हो जाएगा 5x² / 3 इक्वल्स टू 5x² + 12x - 10x - 24/3। ये 3 नीचे में आपस में कैंसिल हो गए, ये 5x² 5x² आपस में कैंसिल हो गए। अभी फिलहाल इक्वल्स टू में यहाँ 0 है, तो ये -24 को इधर लाएंगे तो ये +24 हो जाएगा, और 12x में से 10x जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12। तो रियल में बेस जो था, यानी जो बेस था वो था 12, और जो ऑल्टीट्यूड था वो था 5 × 5x/3 था, तो x का जगह 12 लिखेंगे 3, यानी 4, यानी हो गया 20। यानी पहले बेस था 12 और ऑल्टीट्यूड था 20। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, अब हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 15.5 में। ओके, तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन सेट निकालने के लिए कहा गया है, लेकिन ये भी वैसे ही करना है। हम लोग पहले सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन सेट में देखें, नंबर 1 में लिख दिया गया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, और यहाँ पे 1 का 1 ने पहला क्वेश्चन दे दिया, द वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। यानी जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5 होनी चाहिए, क्योंकि इक्वल्स टू साइन इज गिवन है, एंड मोर देन 5। सो द आंसर इस सेट का क्या होगा, 5, 6, 7, 8, क्योंकि आंसर आपको इसी में से देना है, x का वैल्यू वहां पे मेंशन कर दिया गया। क्लियर। फिर b में कह दिया गया है x लेस देन और इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू 4 से लेस होगी, लेकिन 4 भी होगी बिकॉज इक्वल्स टू साइन इज गिवन हियर। सो द वैल्यू इज 0, 1, 2, 3 एंड 4। डन। सी क्वेश्चन के लिए हमको सॉल्व करना होगा x + 2, ये 8। ओके, ऐसे दिया हुआ, इसको सॉल्व करने का एक्चुअली तरीका होता है लीनियर इक्वेशन का इन इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं दिया हुआ, इन इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, सपोज कीजिए +2 इधर जाता तो क्या होता, -2, जो आपकी क्या करना है, बोथ साइड करना है। यानी +2 अगर इधर जाता तो -2 होगा, उसको बोथ साइड करना, तो ऐसे लिखेगा, देखिए x + 2 - 2 8 - 2, यानी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड, यानी दो साइड से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो यहाँ से क्या होगा, +2 - 2 ऑटोमेटिक कट गया, यहाँ x बच गया और यहाँ पे हो गया 6। ठीक है, जो भी चीज़ करना है, अगर इंटू कीजिएगा तो भी बोथ साइड डिवाइड, ये इन इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, इसलिए मैंने एक्सरसाइज में से सिंपली निकल गया कि वहाँ से सिर्फ x का वैल्यू गेट करने के लिए, जो कॉपी में लिखना होता है तो फुल फॉर्मेट के साथ लिखना होता है। क्लियर। तो देखिए x का वैल्यू क्या निकला, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6, सो द सॉल्यूशन सेट इज 6, 7 एंड 8। डन। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है डी में, 5 - x 3। तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये माइनस, पहले इस +3 को यहाँ ले आते हैं, ठीक है, +3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3, दैट मीन्स 5 - 3 - x 3 - 3, और यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड, तो ये हो गया 2 - x, और इधर हो गया 0, -x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +x, यानी एड x करके आप लिख सकते हो,
एड एक्स बोथ साइड, तो क्या हो गया माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, यहाँ टू बचा और यहाँ आ गया एक्स, यानी एक्स वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टू। सो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? एक और चेक करना, चलिए इसका एफ नंबर दिखा देते हैं। एफ नंबर लिखा हुआ 15 माइनस 3x 9। ओके, तो हम लोग इसको भी सॉल्व कर देते हैं। 9 को इधर ले आते हैं तो प्लस 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 9, दैट मीन्स 5 माइनस 9 3x 9 माइनस 9, सब्ट्रैक 9 फ्रॉम बोथ साइड, तो ये 15 माइनस 9 6 माइनस 3x इधर हो गया 0, माइनस 3x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3x, तो 6 माइनस 3x प्लस 3x 3x एड 3x बोथ साइड, तो माइनस 3x प्लस 3x कट जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा 6 3x। और अब देखिए ये 3 इंटू में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, दैट मीन्स डिवाइड बाय 3 बोथ साइड, डिवाइड बाय 3 बोथ साइड, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा x, यानी वैल्यू ऑफ x इज मोर देन यानी ग्रेटर देन 2 और इक्वल्स टू 2। सो द सॉल्यूशन सेट इज 2 3 4 5 6 7 8। नोट इट डाउन।